So the next is parallel axis theorem. Now, parallel axis theorem जब हम यूज करते हैं तो हम यूज इसे कब करते हैं, जब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का निकालना है विच इज लाइंग आउटसाइड द बॉडी. मतलब मेरे को सपोज दो बंदे खड़े हैं एंड मुझे उस सेकेंड पर्सन के अबाउट रोटेट करना है. वी आर नॉट कनेक्टेड एंड जो मेरी रोटेशनल एक्सिस है इट इज़ लाइंग आउटसाइड माई बॉडी. तो ऐसे केस में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज में लेकर आते हैं. इसका अगर डायग्राम बनाते हैं तो यही ले लेते हैं. ओ जेड का मैं निकाल चुकी हूँ. ओ जेड जो एक्सिस है इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. नाउ मुझे निकालना है इस एक्सिस के अलाउंग, इसको मैं नाम दे देती हूँ जेड डैश एक्सिस. तो मुझे इसका ये जो डिस्टेंस है दिस इज एच स्मॉल एच, ठीक है. अब मुझे निकालना है इस एक्सिस के अलाउंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो वॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो द पैरेलल एक्सिस थ्योरम states that the moment of inertia of a plane lamina about an axis, यहां पे कौन सी है z डैश एक्सिस, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस passing through its center of mass and product of mass of the lamina or my body and distance between the, sorry यहाँ पे लिखेंगे square and square of the distance between the two axes. So the perpendicular axis theorem states that the moment of inertia of a plane lamina, इस lamina का moment of inertia about an axis z dash, about ये वाली axis, is equal to the sum of moment of inertia, किसके sum के बराबर, sum किसका होगा, moment of inertia about a parallel axis कौन सी है, oz, पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, इस लेमिना के सेंटर ऑफ मास से जो मेरी पैरेलल एक्सिस पास कर रही होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंड सेकेंड किसका जो सम बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द लेमिना या बॉडी जो भी मैंने ले रखी है उसका टोटल मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. तो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, आई z dash will be equals to iz plus mh square. iz हम वहां पे निकाल ही चुके हैं. नाउ अगर इसका मुझसे कोई पूछे कि what is the derivation for this, so कैसे दिखाएंगे, we'll say ये डिस्टेंस मेरा h है, मैंने एक पॉइंट लिया है p, इसका डिस्टेंस है x, तो p पॉइंट मेरा कौन सा हो जाएगा, वो पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा जिसमें रेडियस ऑफ जायरेशन वाली चीज आ जाएगी.
तो एक्स मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा, क्योंकि जो ओ पॉइंट है दैट इज माई सेंटर ऑफ मास फॉर द गिवन लैमिना. सो माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी गिवन एज समेशन एम एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर. एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि इस पूरे लेमिना का जो मास है वो पी के ऊपर लाई कर जाएगा, एम आ जाएगा, समेशन एम. एंड ये रोटेशन किस एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए ये पूरा डिस्टेंस लेंगे. ठीक है, सो ये आएगा. इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम एच स्क्वायर प्लस टू टाइम्स समेशन एम एक्स एच. नाउ इन तीनों टर्म्स को अब एक बार ध्यान से देखते हैं. आई इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, समेशन क्या है ओरिजिनल मेरा आई जेड, प्लस एच मेरा कॉन्स्टेंट है, समेशन सिर्फ एम के ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा एम एच स्क्वायर, प्लस जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म फॉर अ बॉडी विच इज इन अ बैलेंस स्टेट, स्टेबल स्टेट. जो एक मेरी बॉडी है या लैमिना है अगर वो स्टेबल है तो ये वाला प्रोडक्ट जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इट टर्न्स आउट टू बी जीरो. इसीलिए मेरे पास सिर्फ दो ही टर्म्स बचती हैं और ये दो टर्म्स मिलके क्या बना रही हैं, जो मैंने अभी अभी थ्योरम में बोला था. सो दिस इज द प्रूफ, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अब ये जो थ्योरम्स हमारी निकल के आई हैं, हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग दिस थ्योरम्स, विल मूव ऑन टू अ फ्यू एग्जाम्पल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम ऑल्सो. एंड विद दैट विल फिनिश आवर सिलेबस. उसके बाद योर डाउट्स एंड योर क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thank you so much.